मॉम्स फूड डायरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर टैप करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सभी रेसिपीज़ की मिलती रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है इस्तकबाल है मॉम्स फूड डायरी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नॉनवेज रेसिपी, जिसमें जो तहारी की रेसिपी होती है, एक टाइप ऑफ बिरयानी होती है तहारी। तो चिकन तहारी कैसे बनाते हैं, मैं उसकी पूरी रेसिपी आज आपके लिए लाया हूँ, पूरा मेथड कम्प्लीट। थोड़ा सा लंबा है, पूरा एंड तक देखिएगा कि ये मज़ेदार डिश कैसे बनती है। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए हमको लगेंगे जो कोरिएंडर लीव्स, धनिया है, हरा धनिया हाफ बंच लगेगा। ये चिकन है 500 ग्राम। दोस्तों ये हैदराबादी तहारी है, तो यहाँ पे हमको लगेगा 750 ग्राम। टमाटर हमने चॉप करके रखे हैं, आधा केजी चिकन लगेगा इसमें। तो यहाँ पे प्याज लगेंगे 2 से 3 बड़े चॉप करके लिए हमने, जिंजर यानी कि अदरक के 3 पीस और लहसुन का एक गुच्छा लगेगा, इसको हम पेस्ट बना लेंगे इसका। और साथ में इसमें लगेंगे जो मिंट लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते होते हैं, हाफ बंच लगेगा इसका। और इसमें लगेंगे हरी मिर्ची 50 ग्राम, या तो 15, हमने नीचे से इसको कट कर लिया है थोड़ा सा। तो ये हो गए हमारे हरी मिर्ची 50 ग्राम, या 10 से 15 लगेंगे इसमें। और ये जो है दही, दही यानी कि कर्ड हमको लगेगा 200 ग्राम। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शाहजीरा 1 टेबल स्पून है, काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 8 लौंग हैं इसमें, और 2 से 3 दालचीनी लगेंगी। साथ ही साथ इसमें गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून लगेगा, और इलायची 7 लगेगी। तो ये हमारी, यहाँ पे देखिए हमने तेल लगेगा हमको 100 ग्राम, इसमें घी लगेगा 2 टेबल स्पून। तो ये पूरी रेसिपी है। ये देखिए चावल हमने लिए, ये सोना मसूरी राइस है। चावल हमको लगेगा यानी हमको तकरीबन 800 ग्राम चावल लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो हमने चिकन को एक बॉल में लिया है, साथ में साथ 1 टेबल स्पून जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है उसमें, और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और पूरा दही ऐड कर लेंगे। दही को हमने थोड़ा फेंट लिया है। तो पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, इससे क्या होता है कि चिकन में अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें हमने नमक और हल्दी डाल दी है अभी इसमें, इसको हम मैरिनेट करने से पहले पूरा मिक्स कर लेंगे और आधे से 1 घंटा मैरिनेट कर लेंगे। आप ज़रूर नहीं कि फ्रिज में रखना है इसको, आप ऐसे ही इसको मैरिनेट कर सकते हैं रख के आधा या 1 घंटा। तो हमने एक पतीला गर्म कर लिया, उसमें डालेंगे पूरा तेल यानी कि जो 100 ग्राम हमने तेल लिया था, उसमें बाद में डालेंगे दालचीनी और लौंग, थोड़ा उसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमने डाल दिया है इलायची और जो शाहजीरा था, शाहजीरा हमने हाफ डाल दिया है इसमें, जो बाकी का हमको आगे लगेगा। और जो गरम मसाला पाउडर हमने डाला है वो घर का बना हुआ है, होममेड, ऊपर देखिए लिंक है उसका। और हमने हरी मिर्ची ऐड करके थोड़ा उसको घुमाना है, 30 सेकंड तक उसको पकाना है हरी मिर्ची को। उसके बाद हम डालेंगे जो है मिंट लीव्स यानी कि हमारे पुदीने के पत्ते डालेंगे उसमें, और थोड़ा घुमा लेंगे उसको। और उसके बाद डालेंगे जो हरे धनिया के पत्ते जो होते हैं वो हम डालेंगे उसमें, हमने थोड़ा डाल के 30 सेकंड इसको घुमाना है। बाद में हम इसके बाद डालेंगे हमारी जो प्याज है वो हम इसमें डाल देंगे, हमने जो कट करके रखी है प्याज उसमें डालेंगे और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। दोस्तों जो काली मिर्च का पाउडर है, आप शुरू में मैरिनेट करने के टाइम पे डाल के उसको रखिएगा तो टेस्ट ज़्यादा आता है। तो हमने अब ये ऐड कर दिया टमाटर, जो हमने टमाटर कट करके रखे हैं, जब तक वो गल नहीं जाते, ये गल चुके हैं पूरा, उसको पका लिया हमने। हम इसमें आप डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा बचा हुआ था 1 टेबल स्पून, तो इसमें हमने ऐड करके हम उसको पूरा मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे जो हमारा मैरिनेटेड चिकन का मिक्सचर है, जो हमने आधे घंटे रख लिया, आधा घंटा काफ़ी होता है उसके लिए, आप 1 घंटा भी रख सकते हैं। उसमें हमने नमक डाल दिया है, उसमें इस पतीले में हमने ऐड कर दिया है। दोस्तों ये बहुत लजीज और मज़ेदार रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। हमने मिक्स कर लिया है, इसमें हम हल्दी डालेंगे, देखिए हल्दी डाल चुके हैं हम। और उसको 5 मिनट तक चिकन को घुमाते हुए पकाना है पूरी आँच पर, इससे कि चिकन पक जाए हमारा। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने अभी ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर हमने अभी ऐड किया है, आप शुरू में भी ऐड कर सकते हैं इसको, जब आप मैरिनेट करते हैं तो इससे क्या होता है कि पूरा टेस्ट आ जाता है उसका चिकन में। तो हमने चिकन में डाल के ये मिक्स कर लिया है पूरा ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम डालेंगे पानी, पानी हमको जैसे चावल हमने लिया है, 800 ग्राम चावल लिया हमने, तो हमको 1.25 लीटर पानी लगेगा, मतलब 1.25 लीटर पानी लगेगा इसमें। और ये बाकी का शाजीर हमने ऐड कर लिया है, घुमा लेंगे इसको। अभी हम इसको पूरा बॉयल होने देंगे, पूरा ढक कर ये बॉयल होने लगेगा, तब हम क्या करेंगे, तब उसमें हम चावल ऐड करेंगे। अभी ये वक्त सही हुए जहाँ पे हम उसको चावल ऐड करेंगे, ये देखिए हमने चावल ऐड करेंगे सब पूरा। हमने सोना मसूरी राइस लिया है 800 ग्राम, हम चावल ऐड करने के बाद थोड़ा मिक्स कर लेंगे और उसको पूरा पानी सूखने तक अभी पकाएंगे। तो ये 2 से 3 मिनट में पक जाता है, ढक के रखे थे हमें, ये देखिए पानी आधा सूख चुका है। तब हम क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी डालने से ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है, जो चिकन तहारी की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से।
तो हमने पूरा नीचे से ऊपर करना है उसको, ताकि हर एक चीज़ मिक्स हो जाए। और अब हम इसको पूरा पानी, इसको इस चीज़ को हम क्या करेंगे, अब ढक कर उसको दम से पकाएंगे, दम पे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक तवा गरम कर लिया है अच्छी तरीके से, 2-3 मिनट तक तवा जब गरम हो जाता है तब उसके ऊपर हम ये पतीला रखेंगे, और शुरू के 1 मिनट हम पूरी आँच रखेंगे, और उसके बाद मीडियम आँच करके 5 से 7 मिनट इसको पका लेंगे। 5 मिनट बाद आप फिर से एक बार चेक कीजिएगा, अगर यहाँ पर थोड़ा अगर लगता है कि आपको बचा है तो 2 मिनट और तवे के ऊपर दम कुक कीजिए उसको। तो ये हमारी तहारी की रेसिपी बिल्कुल ही तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हम और 2 मिनट पकाएंगे उसको। दोस्तों ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि ये कैसी लगी आपको। यहाँ पे देखिए हमारी तहारी बिल्कुल ही तैयार है, जो चिकन तहारी होती है, आप इसको ज़रूर बनाएगा। इस जो मसाले जो पड़ते हैं इसमें, जो पुदीना वगैरह सब पड़ता है, तो बहुत लजीज बनती है ये रेसिपी, और खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है। तो चलिए आप इसको परोसते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए, मुझे ये पक्का यकीन है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिएगा, हमारे बाकी रेसिपीज़ भी चेकआउट कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। देखते रहिएगा मॉम्स फूड डायरी।